प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में 218 नए विशेष कोर्ट खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 144 नई अदालतें केवल रेप मामले की सुनवाई करेंगी, जबकि 74 अदालतें पॉस्को एक्ट वाले केस सुनेंगी। प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक के मुताबिक प्रदेश में 42,389 पॉक्सो और 25,749 रेप के मामले पेंडिंग हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने 3 नगर निगम सीमा विस्तार पर भी मुहर लगा दी है। इसमें अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजाबाद का विस्तार भी होगा। अयोध्या नगर निगम सीमा क्षेत्र में 41 और गोरखपुर में 31 गांवों को शहर में शामिल किया गया है। कि उत्तर प्रदेश में ऐसे वादों की संख्या को देखते हुए और उनको शीघ्र निस्तारण करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल उन मामलों की सुनवाई के लिए बनाए जाए। इसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनके लिए भी और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनके लिए भी अलग से कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत हम 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने जा रहे हैं, जिसमें 144 कोर्ट जो होंगे वो रेगुलर कोर्ट से होंगे और जो केवल रेप के मामले देखेंगे। बच्चों के प्रति अपराध हैं जिनको हम पॉक्सो कोर्ट कहते हैं, इसमें हम 74 नए कोर्ट खोलने जा रहे हैं। नियुक्तियां भी कर दी, ये 218 नए पद सृजित होंगे जो हमारे न्यायाधीश होंगे। इसमें सभी पद जो हैं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के होंगे, जिनको सृजित कर दिया गया है। आज कैबिनेट से इसको पास भी कर दिया गया है। कुछ नगर निगम है, 3 नगर निगम है जिसका सीमा विस्तार हो रहा है, वो अयोध्या है, गोरखपुर है और फिरोजाबाद है। अयोध्या के अंदर जो गांव सम्मिलित हो रहे हैं वो 41 है, गोरखपुर के अंदर 31 है, नगर निगम फिरोजाबाद के अंदर एक कॉलोनी है जिसको लिया जा रहा है, वो श्रीराम कॉलोनी है। जो विस्तार है उसमें खाली खुशी नगर आ रहा है, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर एवं मथुरा, वृंदावन में ये एसी बसें जो है, इलेक्ट्रिक बसें चलाने की के लिए हम लोगों ने रखा था और वो टेंडर अब हुआ। टेंडर के माध्यम से ये जो जिनको हम लोग जिन्होंने टेंडर जीता है, L1 है, वो है कंपनी PMI। ये 700 आपको पिछले दफे बताया था, ये 700 बसों का है, जिसमें 600 बसें इधर से आएंगी, 100 केंद्र सरकार की तरफ से आएंगी अलग से। और योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब रेप के मामलों से निपटने के लिए प्रदेश में 218 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। इनमें 144 अदालतें रेप के मामलों को देखेंगी, जबकि 74 अदालतें पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों का निस्तारण करेंगी। इसको लेकर जी मीडिया ने कानून मंत्री बृजेश पाठक से खास बातचीत की, आप भी देखिए। आज यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 218 नए न्यायालय बनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए कदम उठाया गया है। हमारे साथ कानून मंत्री हैं बृजेश पाठक जी, क्या कुछ निर्णय लिया गया है आज कैबिनेट की बैठक में? आज कैबिनेट में तय किया गया है कि हम 218 नए कोर्ट खोलेंगे, जिसमें 144 कोर्ट सिर्फ महिलाओं के रेप के मामले सुनेंगे और शेष कोर्ट हम बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में खोलेंगे। पहले भी कोर्ट काम कर रहे थे पॉक्सो एक्ट के तहत, उन मामलों में होता क्या था कि कोर्ट्स कम थे, संख्या अधिक थी और कहीं कहीं ऐसा होता था कि कोर्ट को अन्य मामलों को भी सुनवाई करनी पड़ती थी। अब हमने तय किया है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, जो रेप के मामले हैं, सिर्फ रेप के मामलों के लिए हमने नए कोर्ट खोले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसमें 144 कोर्ट्स में हम अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा उनके सहयोगी स्टाफ की भी हमने आज कैबिनेट से स्वीकृति दी है, उनके वेतन को भी
भी आज कैबिनेट से पास किया है, सहयोगी स्टाफ का भी, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी का भी। इसके अलावा उनको बिल्डिंग में दिक्कत ना आए। सामान्यतः देखा गया कोर्ट्स का सृजन होता है, बिल्डिंग बनने में सालों लग जाते हैं, तो हमने कैबिनेट ने तय किया है कि हम ऐसे कोर्ट्स के लिए किराए की बिल्डिंग लेंगे और उनका किराया भी हमने आज कैबिनेट से पास कर दिया है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं महिलाओं के प्रति, अभी कितने केसेस पेंडिंग हैं और इन कोर्ट से क्या कुछ फायदा होगा? लगभग 25,000 मामले महिलाओं के प्रति जो रेप के मामले हैं पूरे प्रदेश में पेंडिंग है, 25,000 कुछ 100 हैं। हम पूरे मामले को उन्हीं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ले जाएंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि शीघ्र उनमें कठोर से कठोर सजा दें। पॉक्सो एक्ट के कितने मामले होंगे? पॉक्सो एक्ट के लगभग 42,000 मामले हैं, उनके लिए भी अलग से कोर्ट खोले। महिलाओं और बच्चों पर जो अपराध है, उत्तर प्रदेश सरकार उन मामलों में बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है। हम बिल्कुल भी अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं है जिन लोगों ने महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध घृणित कार्य किया है। कहते हैं कि आज यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और जो महिला अपराध लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे थे और उनका कोर्ट में ले जाकर उनका निस्तारण नहीं हो रहा था, उसको लेकर सरकार की तरफ से आज ये कदम उठाया गया है कि 218 नए न्यायालय बनेंगे जो महिला अपराध और पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई करेंगे। कैमरामैन मनोज मिश्रा था, विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से विशाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका हम रुख करेंगे। विशाल, ये वक्त की मांग भी थी, बड़ा फैसला योगी सरकार की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से मामले जिस तरह से आ रहे थे सामने, इसकी जरूरत भी थी बहुत ज्यादा, अब फायदा किस तरह से होगा? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी, ऐसे में उन घटनाओं को लेकर FIR जरूर हो जाती थी, गिरफ्तारी जरूर होती थी, लेकिन आरोपियों को सजा मिलने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता था, चूंकि कोर्ट की कमी थी, जिसको देखते हुए फिलहाल प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो महिलाओं और पॉक्सो एक्ट के मामलों को देखेंगे। महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएँ होती हैं उन घटनाओं को लेकर 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेंगे, साथ ही साथ 74 कोर्ट ऐसे होंगे फास्ट ट्रैक जो पॉक्सो एक्ट के जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई करेंगे। और प्रति कोर्ट करीब 75 लाख रुपए का खर्च आएगा निर्माण कार्य में, साथ ही साथ केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर जो है इस कोर्ट चलाने का खर्च जो है वो वह करेगी। इसमें प्रतिशत अगर देखा जाए तो 60% केंद्र सरकार देगा और 40% यूपी सरकार देगी। इसके लिए जो स्टाफ भर्ती करने का जो प्रस्ताव है उसको भी आज पास करा लिया गया है, साथ ही साथ जो निर्माण कार्य का प्रस्ताव है उसको भी आज पास करा लिया गया, ताकि जल्द से जल्द इन जो कोर्ट है उनको शुरू किया जा सके, उनका निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। जहां पर कोर्ट का निर्माण नहीं हो पाएगा वहां पर किराए का भवन लेकर इस तरह की फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाएंगे, इसका भी प्रावधान कर लिया गया है कैबिनेट में, इसको लेकर प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इन मामलों में जो सबसे जो पुराने मामले हैं, चूँकि 25,000 के आसपास जो मामले जो हैं सिर्फ महिलाओं के हैं, साथ ही साथ अगर बात करें तो पॉक्सो एक्ट के तमाम मामले हैं, तो इनकी जो संख्या इतनी ज़्यादा है इसको लेकर जो सुनवाई नहीं हो पाती थी, इनमें ये चयनित किया जाएगा कि कौन कौन से मामले बहुत पुराने हैं और जिनका निस्तारण होना बहुत जरूरी है, उनको पहले प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा, उनका जो है चयन करके उस पर निस्तारण किया जाएगा, उसके बाद अगला स्टेप रखा जाएगा। तो एक पूरा सीक्वेंस वाइज फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक लिस्ट बना के भेजी जाएगी और उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। अक्सर ये देखा जाता था कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे उसमें महिला FIR जरूर कराती थी, FIR कराने के बाद गिरफ्तारी भी होती थी, लेकिन जो अपराधियों को सजा मिलने की बात होती वो नहीं मिल पाती थी, क्योंकि एक बड़ी लचर व्यवस्था दिखाई पड़ती थी हियरिंग की। तो यही सब तमाम चीज़ें थी जिनको लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और 218 जो कोर्ट हैं उनको जो है अब बनाने का निर्णय लिया है कैबिनेट में, इसका प्रस्ताव जो है फिलहाल पास हो गया है। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया आपका विशाल जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।